केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी के समर्थन में जनसभा की। स्मृति ईरानी ने राजेश चौधरी को अपना भाई बताते हुए लोगों से क्षेत्र के विकास के लिए कमल के फूल पर वोट देकर जिताने की अपील की। स्मृति ईरानी ने बसपा का कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। सपा सरकार में आए दिन दंगे देखने को मिलते रहते हैं। भाजपा सरकार में लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है। बहन बेटियों के साथ सभी की को सुरक्षा मिल रही है। पिछली सरकार में गुंडे बदमाश महिलाएं एवं बेटियों को छेड़ते थे और उस सरकार के मुखिया कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। सपा सरकार में हर तरफ गुंडा राज देखने को मिलता है। भाजपा सरकार में लोगों को पूरी सुरक्षा मिलती है। बहनों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाता है। जनता को भरपूर राशन मिल रहा है और सुरक्षा भी मिल रही है। क्षेत्र का भरपूर विकास भी हो रहा है। इसलिए भाजपा को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका दें। भाई राजेश चौधरी को कमल के फूल पर वोट देकर विजयी बनाए। इस मौके मुख्य स्मृति ईरानी सहित बीजेपी के दर्जन कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आपके सामने आपके आशीर्वाद की कामना लेकर आया है। वैसे तो प्रत्याशी केंद्र से नेताओं को आमंत्रित करते हैं कि उनके चुनाव में प्रत्याशी के लिए वोट मांगा जाए, लेकिन आज मैं अभिमान के साथ कहती हूं कि मैं आपके सामने भाजपा की नेता नहीं बल्कि राजेश चौधरी की बहन बनकर हाथ जोड़कर आपका आशीर्वाद अपने भाई के लिए मांग रहा हूं। हर बहन का गौरव होता है कि उसका भाई कर्मठ हो। हर बहन का गौरव होता है कि उसका भाई जनता के दिल में बसा हो। हर बहन का गौरव होता है कि जब उसके भाई को परिजन परिवार समाज देखे तो समाज के मन में ये विश्वास उठे कि विपदा की घड़ी में ये व्यक्ति हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और आज आप सब जो उपस्थित हुए हैं राजेश भाई को अपना आशीर्वाद देने, उनसे पूछना चाहती हूं कि दिल पर हाथ रखकर कहिए, भगवान ना करे अगर कोई मुसीबत आ जाए, आपका विश्वास है ना कि राजेश आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा? है तो राजेश ये संकेत है कि ये नागरिक नहीं परिवार है तुम्हारा, जो पोलिंग बूथ में जाएंगे कमर का बटन दबाएंगे और राजेश चौधरी को अपना विधायक बनाएंगे। मैं सब हूं जो लोग हाथी के लिए वोट मांग रहे हैं उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है। और आपसे आज पूछना चाहती हूं कि जिस पार्टी की सरकार बनने नहीं वाली उस बसपा को वोट देके आप अपना वोट क्या बर्बाद करेंगे? साल से एमएलए मैं आप लोगों के साथ मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ। यहाँ आपने कोई मेडिकल फैसिलिटी देखी? एक हॉस्पिटल देखा? कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज देखा? कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज देखा? हमारी बेटियां 12th पास करके चुपचाप जाकर के घर बैठ जाती हैं, या तो मथुरा जाए पढ़ने के लिए। यहाँ कोई बेटियों के लिए कॉलेज तक नहीं है। ये दिया है और जिस समय यमुना एक्सप्रेस वे निकल रहा था बड़े बड़े सपने हमारे मन में थे। हम लोग सोचते थे यहाँ से हाईवे बनने हमारी तरक्की होगी, यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे। पर वो केवल विधायक की वजह से नहीं, तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण होना चाहिए। एक फैक्ट्री कहीं बनी है क्या? नहीं बनी। आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे विश्वास है कि आप मुझे विजयी बना करके भेजोगे। मेरे जीवन का पहला लक्ष्य यही होगा कि यहाँ जो नौजवान में देख रहा हूँ इनके चेहरे पर मुस्कान आए। सवेरे सवेरे जब गाड़ी में हाईवे पर होकर के जा रहे होते तो देखते हैं कि हमारे भाई कोई बस में लटक करके जा रहा है, कोई ट्रक
में बैठ करके जाना। एक दिन एक भाई को मैंने दो भाइयों को गाड़ी में बैठाया। मैंने पूछा भाई तू ट्रक में क्यों लटक रहा था, गाड़ी में फंसा रही है पीछे रोड में, उसकी बस को चला जाता। तो बोला भैया 10,000 की नौकरी करता हूँ, चौकीदारी करने ग्रेटर नोएडा जाता हूँ।